Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So, students, in today's video, we are going to continue our math works with addition sums carrying with two digits. अब जो ये हमारे sums हैं, वो two digits वाले हैं और उसमें ये carry वाले sums हैं, ठीक है? तो पहले क्या करना है आपको? ये this is your first sum and what is this? This is 5. You have to draw 5, 6. Like 1, 2, 3, 4, 5. Now this is 6. So you have to draw 6 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है बच्चों? अब इसमें आपको क्या करना है? Now read the all sticks together. अभी इसकी जो जितने भी sticks आपने draw करी हैं, अभी ये आपको साथ में काउंट करना है. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. क्या 11 कैसे लिखते हैं? 1 and 1, 11. अब इसमें आपको क्या करना है? जो पीछे वाला नंबर होता है, ये जो वन स्पेस पर होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है, वो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है? और जो आगे वाला नंबर होता है, ये जो टेन स्पेस पर होता है, उसे लगाते हैं हम कैरी. तो कैरी हमने यहाँ लगा दिया, हमारा वन कैरी हो गया. वन हमने यहाँ पर लिखा और कैरी हमने यहाँ पर लगा दिया. पर अब हम एक वाले नंबर को एड करेंगे. ये क्या है? 4. So draw the 4 sticks. 1, 2, 3, 4. This is 1. So यहाँ पे आप 1 stick draw करेंगे. अभी ये count कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. So ये 4 plus 1 = 5. अब जो carry लगाया है आपने, वो भी आप इसमें plus करेंगे. तो 5 और 1, 6. 5 और 1 कितने होते हैं? 6. ठीक है? मैं आपको एक और समझाती हूँ. यहाँ पर देखिए लिखा है 4. अब 4 sticks काम करेंगे. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 6 6 6 ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ काउंट ऑल द स्टिक्स टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कैसे लिखेंगे? 1, 0, 10. 0 पीछे आता है स्पेस पर, तो 0 आप यहाँ पर लिखेंगे. ये 1 आसान 10 स्पेस पर है, 1 हो जाएगा हमारा कैरी, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? 3 को 3 sticks ड्रॉ कीजिए. 1, 2, 3. और फिर नीचे 2 लिखा है तो 2 sticks ड्रॉ कीजिए. 1, 2. अभी ना काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1, ये कैरी जो है 1 की सभी प्लस करेंगे. 5 plus 1, 6. ओके स्टूडेंट्स, सो 45 plus 16 = 61 एंड 34 plus 26 = 60. ठीक है बच्चों? तो आपको ये जो बाकी सम्स हैं सेम ऐसे ही करने हैं. और एक और चीज, जब आप ये स्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो कॉपी जो है बहुत अनटाइडी लगती है. तो जब आप स्टिक्स ड्रॉ कर ले, या तो आप स्टिक्स को किसी रफ पेज पर ड्रॉ कर लिया करें, जैसे कि नोटबुक के पीछे या फिर किसी और नोटबुक पर. और अगर आप इन्हें ड्रॉ करते हैं तो आप इन्हें जो है रफ कर दिया करें, ठीक है? ऐसे इरेजर से इसको स्टम्प्स के सामने से स्टिक्स को रफ कर दिया करें. कैरी आपको लगे रहने देना, बट जो स्टिक्स ड्रॉ करते हैं काउंट करने के लिए, वो आप इन्हें रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों? नाउ ऑल द